अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल लाइफ इन कैलोरी कनाडा में। जी बिल्कुल, दो तीन दिन से बारिश शुरू है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और अभी शाम का टाइम है 5:50 हो चुके हैं और साथ का क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, उसको लेने जा रहे हैं हम। एक मिनट वेट करो भाई, वेट करो, साथ को लेने जा रहे हैं हम और आपके भाई की ट्रेनिंग स्टार्ट है। बिल्कुल 3 दिन हो चुके हैं ट्रेनिंग के, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फिट किस्म की ट्रेनिंग चल रही है। यस, पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा उसमें बड़े स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और बस वही थोड़ा टफ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल बस ने हमें बड़ा कुछ जो है ना सिखाया है, जिसकी वजह से जो ना काफ़ी लाइफ ईजी लग रही है हमें दूसरे लोगों की बनिस्बत, ठीक है। और अभी हम मौसम इंजॉय कर रहे हैं और इसी तरह के मौसम है, पिछले 3 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं यहाँ पे। पहली बार जून में ऐसे हुआ है कि आज सुबह टेम्परेचर +3 था और कैनेडास्कस जहाँ आपका भाई गया था ना बारबेक्यू करने, हम वहाँ पे स्नो हुई है और कितने 25 सेंटीमीटर तक स्नो हुई है और वहाँ पे तो ऐसे ना पिकनिक लोगों की ख़राब हो चुकी हुई थी। ये चेक करें जी, हमें तो ठंड लगती है वैसे ही चलाते हुए, ये भाई साहब जो हैं सही बारिश में भी जो है ना बाइक भगाए जा रहे हैं, जैकेट भी जो है ना सेफ्टी वेस्ट नहीं पहनी हुई इसने, आर्मर जैकेट होती ना इसके पास तो फिर ठीक था भाई, कोई भी बंदा गिर सकता है, अचानक से स्लिप हो गया ना, जितनी पावर है ना बाइक्स में यहाँ पे, हल्की सी रेस दी नहीं और आप नीचे। ये हमारी माँ सी जो हैं उनका घर है, ये अभी जो गुजरा और इन्हीं के बिल्कुल अगले वाले मोहल्ले में जो है ना वो मस्जिद है, वहाँ पे साथ कुरान पढ़ता है, उसको हम लेने जा रहे हैं। ये जो बस आप देख रहे हैं ना, आपका भाई इस पे ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है ना, इस जैसी बस पे। तो हम अब हो जाएंगे इंशाल्लाह सिटी ऑफ कैलगरी एम्प्लॉई, ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉई, तो आना जाना यहीं पर लगा हुआ ट्रेनिंग। एक मिनट में आयशा की सुन लो पहले। ये जी मस्जिद आ गई है अल हिदाया इस्लामिक सेंटर, ये वाला यहाँ पे साथ जाता है कुरान पढ़ने। अभी छुट्टी होने में 3-5 मिनट रह गए हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, दरवाज़ा तो खुला है, मतलब कि हो सकता है छुट्टी होगी, चेक करके आते हैं अभी। नहीं जी, वो साथ वाले दरवाजे में कुछ और वेलकम हो रहा है, मस्जिद के अंदर पढ़ रहे हैं आज, आज मेन मस्जिद में देखते हैं। मस्जिद है ये, साथ के कजन मूसा, माशाल्लाह सारे इधर, अस्सलाम वालेकुम, ये मसल्ला है सामने, यहाँ नमाज होती है, ये देखें ये कुरान पढ़ रहे हैं यहाँ बैठे हुए सारे, बता रहे हैं कि देयर इज अ यूट्यूबर, साथ साथ चेक करो सर। भेड़ बकरियाँ निकलने लगी हैं, ऐसे हम मस्जिदों से भागते होते थे जब बच्चे होते थे ना, इसी तरह जिस तरह ये लोग भाग रहे हैं, शूज पहन रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जल्दी लगी है सबको, गो। एक तो ये ना बच्चों के नखरे नहीं मुकते, ऊपर से बादल देखे कैसे बुरे बुरे हुए हुए, अब भाई साहब कह रहे हैं कि मस्जिद से आके मैं आई डोंट वांट टू ईट पराठा, व्हाट यू वांट टू ईट, मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स ओनली हैव वन थिंग व्हिच इज हलाल एंड दैट इज ओनली द फिश बर्गर, यस दैट्स द ओनली थिंग यू कैन ईट, या देयर इज नथिंग हलाल इन। जी ये साथ के कजन्स हमें फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली उनका घर है इधर, हम गलत रास्ते पे टल गए, हम कहीं मैकडोनल्ड्स जाने के चक्रों में हैं और ये साथ उनको देख रहा था पीछे मुड़ मुड़ के, सीट बेल्ट
एक तो देसी बच्चों को ये बताना, बार बार बताना कि सीट बेल्ट सीट बेल्ट सीट बेल्ट, आए हाय दिमाग खा जाता है। आशनी हमारा जिन जाना बहुत बातें करता है। और इस साइड पे लगता है कि बारिश हुई है लेकिन कम हुई है, ना होने के बराबर हुई है जी। ओके आयशा जो है ना बहुत माशाल्लाह बातें करती है अब, और आयशा हमें बात करने का मौका नहीं देती अब। आयशा बहुत बिजी रखती है अपने अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये देखें स्काई व्यू के ऊपर बादल तो आए हुए हैं लेकिन बारिश अभी नहीं हुई है, मतलब हुई है बहुत कम हुई लग रही है, लेकिन ये सिटीस्केप तो ड्रामना सा लग रहा है मुझे जी। अजीब तरह क्या बात है बेटे, क्या लेना भाई दे दो पुत्र, क्या लेना उसने। कभी गार्मेंट भी लग जाते हैं हमारी गाड़ी में, मेरी अपनी गाड़ी में तो बहुत कम है, कोई शो हो तो मैं सुन लेता हूँ रेडियो पे, गाना कभी मैंने सुना खास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये वाली जो गाड़ी है इसमें गाने बहुत चलते हैं। वो सामने जो है ना एम का साइन नहीं नजर आ रहा आपको, ये वाला उधर जा रहे हैं डोनल्ड्स। हम डोनल्ड्स आ गए हैं, हमारे साथ का ये डोनल्ड है, हमारा ये मैकडोनल्ड्स है, और आयशा का पता नहीं अभी तक कुछ भी नहीं है। रशिंग रुशिंग लग रहा है भाई, दे दो प्लीज, जो कहती है दे दो उसे। ऑर्डर हो रहा है मैकडोनल्ड्स पे, क्या ऑर्डर हो रहा है। अच्छा मैडम ने ऑलरेडी जो है ऑर्डर ऐड किया हुआ था, ये चेक करें, हमने तो खाना खा लिया है, भूख लगी होती भाई, सुबह नाश्ता किया होता, लंच नाश्ता भी चाय शाय आजकल चल रही है, और साथ में लंच मैं करता नहीं हूँ दिन में। तो ये हमारे आगे दो फज संडे, एक मेरा एक पता नहीं किसका है, और साथ में एक जो ड्रिंक है वो साथ की आ गई है, और नंबर थ्री के ऊपर हमें कहा उन्होंने पार्क करो आ रहे हैं, और नंबर थ्री किसी और को पार्क कराया हुआ। वाह 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 क्या बात, वाह 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 वाह। भाई फज संडे की डील होती है यहाँ मैकडोनल्ड में, ठीक है, $2 की ईच मिलती है जी, सो $4 की दो मिलती होती है, ठीक है, कि पूरा समर जो है कनाडा में डील लगती है। हमें कोक देता हूँ मैं, ओके वेट करो। आयश तो आ गए हैं लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है भाई, वो ये लो बेटा ये लो, आयशा के फेवरेट फ्राइज हैं, आयशा को पहले फ्राइज देते हैं साथ, ये लो हॉट, इट्स ओके फू कर लो। प्रॉब्लम कुछ ये हो गई है कि हमारा ये जो बेटा बैठा हो ना, ये वाला ये इतना कोई ज्यादा पिकी है ना, लाइक मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना पिकी है, सही बात है ये। नो आई एम यस लिटिल बट यू आर वे मोर पिकियर देन आई एम। तो क्या होता है कि उसमें सॉस जो है ना, किसी किस्म की केचप तो हमारे घर में कोई बंदा खाता कोई नहीं, लाइक मुझे तो शुरू से केचप पसंद नहीं, मेरी बेगम को भी नहीं है और बच्चों को भी नहीं है, कोई भी बच्चा केचप भी नहीं खाता। ओके ओके तो सॉस उसमें डालते हैं, सॉस उन्होंने डाल दी, अब हमें याद नहीं रहा उन्हें ये बताना कि सॉस नहीं डालनी, अब बेगम की है कि चेंज हो जाए, देखते हैं, मोस्टली कर देते हैं, यहाँ पे इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर ना करके दिया फिर प्रॉब्लम होगी। चेक करें भाई, ये पाकिस्तान नहीं है यार, सही बात है, ये चीज़ें जो है ना बाहर के मुल्कों में एक बहुत बड़ा प्लस है, जो कि इस्लाम में भी है, अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप चेंज कर सकते हैं चीज़, ठीक है। ये चेक करें जी, कैरामल पॉपकॉर्न मैकफ्लरी, मैं तो कभी ना खाऊं यार, मैं अभी सोच रहा हूँ, ये अभी हमारी बात हो रही थी, बेगम कह रही थी ये नहीं आई है, मैंने कहा मैं तो कभी ना खाऊं, हमें पसंद है ओरियो वाली मैकफ्लरी, जो कि यहाँ पे मिलती कोई नहीं, मिलती है या ओरियो मिलती है स्ट्रॉबेरी वाली, जो कि वहाँ यहाँ पे नहीं मिल रही। कुछ ड्राइवर ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं समझा जाता, चोरी चोरी मैकफ्लरी का आवाज उसी संडे का ही जा रही है, और पीछे साथ साथ बिल्कुल पुलिस वाले की गाड़ी आ रही है। ले जी चट चुट कर गए हम, क्या कर गए हम, चट कर गए, मौसम भी कुछ थोड़ा सा बेहतर लग रहा,
बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है भाई, ये ना डराता बहुत है मौसम यहाँ पे। और इस साइड भी देखें क्या जबरदस्त कड़कती हुई धूप निकली हुई है, सब कुछ कहा नहीं जा सकता यहाँ पे। यहाँ देखें जरा डिनर डन हो रहा है, कितना खाया दिखाओ जरा, खा भी गए हो माशाल्लाह चट्टू। अब फ्राइज पे लगा हुआ, फ्राइज एंड पे खाता ताकि मजा आए। हम भी ऐसे ही खाते होते थे, एंड तक रखते थे मजे की चीज ताकि ज्यादा मजा ले हम। तो वो देखो फ्राइज है ना, वो रखे हुए अभी तक उसने। ईद उल अज़हा का बोर्ड लगा हुआ है, 7, 8 और 9 बजे हो गई नमाजें जाने से सेंटर में, जो कि ये बिल्कुल सामने है, 7, 8 और 9, 28 जून को इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि पहली ईद होगी कनाडा में आपके भाई की, कि आपके भाई को छुट्टी नहीं मिलने वाली। तो लग रहा है मुझे कि ये हमारी पहली ऐसी ईद होगी वासिक इकबाल की कि उसको ईद पे छुट्टी नहीं मिलने वाली। और हमने अपने जो ट्रेनर हैं उनसे बात भी की, उन्होंने कहा कि सोचेंगे और देखेंगे, फॉर नाउ लुक्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल। भाई साहब का खाना पीना हो गया, ये देख रहे हैं क्या, ये यस, ये इसको हम कहते होते हैं, क्या कहते हैं हम इसे, नो हम इसे ट्रॉली कहते हैं, इसमें हम मिट्टी डाल सकते हैं और लेके जा सकते हैं। ये इसका तो आपको पता ना रेडी है, ये रेडी है। और ये चेक करें, ये दोनों बाइक्स खड़ी हैं अभी तक साफ सुथरी, कभी निकाली नहीं हमने, ब्रांड न्यू उसी तरह वॉश करके खड़ी थी। ये बच्चे ऊपर बैठते रहे हैं, ये देखें अपने निशान छोड़ जाते हैं, पता चल जाता है कि बच्चे बैठते रहे। और ऊपर देखें, ये ऊपर चढ़ नहीं सकते ना, तो सिलेंसर पे पाँव रख रख के चढ़ते हैं ऊपर, वो वाली साफ है क्योंकि उस पर कोई बंदा बैठता नहीं है, ये वाली जो है ना इस पर सारे बैठते हैं। ये चेक करें, आपके भाई ने बाइक स्टार्ट कर ली, एक्चुअली बेगम ने बाइक स्टार्ट की है, और हम निकलते हैं ज़रा थोड़ा सा चक्कर मारने गली का। बाइक्स को यहाँ पे पार्क करने का ये तरीका है, ठीक है ना, यहाँ ऐसे पार्क किए जाते हैं बाइक अगर आप रोड पे पार्क कर रहे हैं। इसी बहाने इसको भी स्टार्ट कर ही लेते हैं, दोनों बाइक ये कि एक बार स्टार्ट हो जाएंगी। ये दोस्त हैं जो हमारे, उनका खड़ा बाइक स्टार्ट करते हैं तो ये कि थोड़ा सेट हो जाएगा।
था आज का छोटा सा दिन, बड़ा अच्छा गुजारा हमने। तो ये है कि बच्चों ने इंजॉय कर लिया और बेगम ने दोनों बाइक्स पर राइड ले ली। ख्वाहिश थी बेगम की कि R1 पे राइड लेनी है मैंने। मैंने कहा चल आजा, आज तुझे राइड दिलवा देते हैं R1 पे भी। तो वो एंजॉय कर लिया हमने और मेरे ख्याल से यहीं पे दिन का अहतमाम करते हैं। आपको मिलते हैं एक नए और अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और साथ में लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और कोई ना कोई क्वेश्चन हो तो भाई को ज़रूर मैसेज किया करें, आपका भाई ज़रूर जवाब दिया करेगा। और बाकी आगे जो करना है वो साथ आपको बताता है। साथ क्या करना है? सब्सक्राइब करना है जी, सबने सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।